पहन लो बच्चों. ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो बेटे, सो फार वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, सो आपको ये पता चला कि अगर पांच कमोडिटीज हैं, से ए बी सी डी ई, इन सबकी प्राइस में चेंज आता है 10% बी तक. एज ए रिजल्ट, अगर इसके केस में 10% डिमांड में चेंज आता है, तो इसकी डिमांड को हम क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ऑन दी अदर हैंड, 10% प्राइस में चेंज आने से बी कमोडिटी की डिमांड में 20% चेंज आता है, तो इसकी डिमांड क्या कहेंगे? इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इसमें 5% आता है तो इसको क्या बोलेंगे? इसमें 0% चेंज आता है तो परफेक्टली इन इलास्टिक. इसमें प्राइस में नो चेंज, डिमांड में 10% चेंज आता है, तो इसकी डिमांड क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक. दीज आर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, नॉट फाउंड इन द रियल वर्ल्ड. एक्सट्रीम सिचुएशंस इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, उसका डिमांड कब परफेक्टली इलास्टिक होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, टर्म टू में है वो टॉपिक. और इन केस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक. वो भी एक्चुअली परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं होती है, इन इलास्टिक ही होती है. तो ये दोनों हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं. तो ऑन व्हाट, व्हाई द डिमांड ऑफ ए इज यूनिटरी इलास्टिक, दैट ऑफ बी इज इलास्टिक एंड दैट ऑफ सी इज इन इलास्टिक? देर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स. सो वी विल बी डिस्कसिंग द मेन फैक्टर्स which affect elasticity of demand. First being availability of substitutes. There are certain commodities whose substitutes are available, and there are some commodities whose substitute is not available. So tell me certain commodities whose substitutes are available. There are different brands of pens available in the market. Yes. What else? Huh? Okay. Sweets. He seems to be fond of sweets, so he says different brands of sweets, chocolates, are available in the market. So if one is not available, you can satisfy your, you know, sweet tooth with the help of another brand of sweet. Or चलो जी, कोल्ड ड्रिंक्स और आपकी स्टेशनरी है, ठीक है, बैग्स हैं, कोई भी कमोडिटीज जिनकी टॉयलेटरी है, शैम्पूज हैं, ठीक है, इनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं. तो जिनका, ऐसी कमोडिटीज जिनके मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब लेट अस से अगर उनका प्राइस बढ़ गया तो आप उनकी प्राइस बढ़ गया से 20%, व्हाट विल यू डू? यू विल स्विच टू इट्स सब्स्टिट्यूट कमोडिटी. सो व्हाट हैपेंस टू द डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी? इट्स डिमांड विल फॉल बाय से मोर देन 20% और नॉट, है ना? इसकी डिमांड 20% से ज्यादा कम हो जाएगी, से 30% कम हो गई. ऐसा क्यों हुआ? Why were you able to decrease its demand? Because its substitutes are available. So now you will start consuming another good, which is a substitute of this good. So of course its demand will fall by more than 20%, which means its demand would be, यहां से पढ़ के बताओ, मैंने तभी लिख दिया,
its demand would be elastic, है ना? तो इसको let's put this statement in words. The commodity whose substitutes are available will be having elastic demands. On the other hand, there are certain goods whose substitutes are not available. और दूर कहाँ जाना? COVID vaccine. इसका कोई substitute market में available है? अरे COVID vaccine या Covishield या Covaxin, ये दो तीन ही है ना? तो चलो, अदर लाइफ सेविंग ड्रग्स सब्स्टिट्यूट्स कम अवेलेबल है. चलो, जब नई नई आई थी एक ही वैक्सीन थी, ठीक है? या चलो, एक आपको मालूम है, एक इंजेक्शन होता है, एक पर्सन की डेथ हो रही होती है, एक लाइफ सेविंग ड्रग होता है, हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं तो वो रिवाइव कर सकता है. दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, इनका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है. तो अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए तो आप इसकी डिमांड कम करोगे? कम कर सकते हो? नहीं. सेकेंडली, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ा दिया तो आप में से कितनों ने घर में चूल्हा जलाना शुरू कर दिया गैस की जगह? हाँ बेटे, इलेक्ट्रिसिटी जौन से मर्जी सोर्स से आ रही है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल नहीं है ना. वट एवर, आप घर में सोलर प्लांट चलो लगा लोगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट अ क्लोज सब्स्टिट्यूट. वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है? तो जिस कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, यानी अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करोगे? प्राइस बढ़ गई 20%, डिमांड इसकी कम होगी? होगी बेटे, लॉ ऑफ डिमांड ने तो अप्लाई होना ही है, ठीक है? प्राइस कम होगी लेकिन इतनी ज्यादा कम नहीं होगी. से कितनी कम हुई? यानी इसकी डिमांड क्या हुई? इन इलास्टिक. द कमोडिटी हूज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट विल हैव इलास्टिक डिमांड. ऑन द अदर हैंड, द कमोडिटी हूज सब्स्टिट्यूट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट will have inelastic demand, because you cannot, you know, live without, you do not have any other option but to consume this goods. Clear hai? Jiska substitute available hai, uski demand elastic. Jiska substitute available nahi hai, uski demand inelastic. Example de do saath mein. Life saving drug ka koi substitute available nahi hai. Ya electricity कोई भी दे सकते हो. सब्स्टिट्यूट वाले तो बहुत कमोडिटीज हैं जिनके डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं. सो मूविंग अहेड टू अनदर फैक्टर विच अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज से पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज. वेदर द कमोडिटी विल हैव इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन can you postpone the use of this commodity or not. So those commodities whose demand can be postponed, for example, aapne apne parents ko bola ki mere ko friend ke birthday pe jana hai to mujhe naye shoes lene hain party ke liye, theek hai, to mere ko 2000 rupaye chahiye. Unhone aapko 2000 rupaye de diye ki chalo theek hai, apne budget mein se 2000 rupaye alag se nikal liya. In the meantime ghar mein kisi ki tabiyat kharab ho gayi, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा या मेडिसिन लानी पड़ी, ठीक है? अब वो 2000 रुपए आपके पास, सब कुछ तो आपने अपने बजट में एलोकेट कर दिया, इसकी इतनी फीस जानी है, इसका राशन आना है, ये मेड को पैसे देने हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, और उसमें से आपने 2000 रुपए रखे थे शूज के लिए, ठीक है? अब जरूरत किसकी पड़ गई? मेडिसिन लाने की, डॉक्टर के बिल के चुकाने की, ठीक? आप इसमें से किसका यूज पोस्टपोन कर सकते हो? शूज का, मेडिसिन का कर सकते हो? नहीं. आप मेडिसिन लेने गए मार्केट में, मेडिसिन का प्राइस बढ़ चुका हुआ, तो आप क्या सोचोगे? कोई बात नहीं, मैं अगले महीने ले लूंगा मेडिसिन. सोचोगे ऐसे?
नहीं सोच सकते ना, क्योंकि मेडिसिन का यूज हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। सो अगर मेडिसिन की प्राइस बढ़ेगी 20%, इसकी डिमांड कम होगी से 5%। यस, यानी चेंज इन डिमांड विल बी लेस देन चेंज इन प्राइस। व्हेन सच इज द केस, डिमांड इज सेट टू बी, बेटे बोलो, इन इलास्टिक। जब डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होती तो वो इन इलास्टिक होती है, जब डिमांड ज्यादा चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक। कंपेयर किसके साथ करना है, चेंज इन प्राइस के साथ। परफेक्टली इन इलास्टिक एक्सट्रीम केस है, हमेशा वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से डिमांड अफेक्ट हो ही जाता है। मार्केट डिमांड की बात करें, जिसके पास नहीं है बेटे, जो नहीं खरीद सकता, जो लेके ही 100 का नोट गया बेचारा, वो 120 की कैसे ले लेगा, ठीक है ना। सो परफेक्टली इन इलास्टिक वाला केस बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, रियल लाइफ से रिलेट करके देखे तो। ओके, तो केस क्लियर है। जिसकी डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। लेकिन शूज की डिमांड पोस्टपोन कर सकते थे, शूज लेने गए, 2000 वाले शूज 2500 के आए हैं, तो मम्मा बोलेंगी 500 की, बेटे मैंने मेडिसिन लेनी है कि तेरे शूज में डालूं बताओ, आप क्या कहोगे, मेडिसिन लेनी है ना, शूज हम बाद में ले लेंगे। यानी अगर शूज का प्राइस बढ़ा 20%, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी से 40%। रीजन बीइंग, इसकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। जिसकी डिमांड पोस्टपोन कर सकते हैं, उसकी डिमांड इलास्टिक, जिसकी नहीं कर सकते, उसकी डिमांड इन इलास्टिक। आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखो। आजकल आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, दाल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, है ना, सिनेमा थिएटर के मूवीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चलनी शुरू होगी, ठीक है। तो अब आप क्या, क्या आप दालें, राइस, आटा कम ला रहे हो, इसकी डिमांड पोस्ट, वैसे भी ये नेसेसिटीज भी हैं, सारे फैक्टर्स इकट्ठे भी काउंट करते हैं कई बारी, है ना, तो आप उनकी डिमांड कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते। या मेडिसिन, बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन लेने गए, मेडिसिन महंगी है, तो क्या बोलोगे, नहीं लेनी, उसकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेनी पड़ेगी। शूज की डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, ठीक है। स्टिल अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, तो बेटे कमोडिटीज को बेसिकली हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको क्या नाम देंगे, नेसेसिटीज। दूसरी, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके होने से हम मर जाएंगे नहीं मिली तो, बट वो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अभी आप फैन में बैठे हो, यहाँ पे हम कूलर लगा देंगे तो आपकी एफिशिएंसी काम करने की बढ़ जाएगी, आपकी भी और हमारी भी, ठीक है। आप रोटी और दाल खाते हो, वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो नेसेसिटी है, लेकिन अगर घर में आपको मिल्क, एग, फ्रूट वगैरह भी मिलना शुरू होगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो चीजें हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं वो कंफर्ट्स, तीसरा लग्जरीज, सर्वाइवल के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ाती तो क्यों कंज्यूम करते हैं, हमारा स्टेटस बढ़ाती है ना, शो ऑफ करने में काम आती। तो नेसेसिटीज की डिमांड क्या होगी, जिसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट, तो इट्स डिमांड विल बी इन इलास्टिक। अबाउट कंफर्ट्स, देयर डिमांड इज जनरली यूनिटरी इलास्टिक, विच मीन्स इफ देयर प्राइस
rises by 10%, their demand also falls by 10%. Okay, generally it is unitary elastic. Whereas demand of luxuries is elastic. यानी अगर प्राइस इनका 10% बढ़ेगा या लेटर से 10% कम हुआ तो इसकी डिमांड 20% बढ़ जाएगी. एसयूवी मारुति ने अपनी एसयूवी की प्राइसेस कम कर दी 10%, डिमांड बढ़ जाएगी ना 20%, isn't it? ठीक है. कार इज ऑल्सो अनदर कमोडिटी हूज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, है ना, क्लियर है? आगे चले. ओके, नेक्स्ट, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, फोर्थ फैक्टर विच अफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर हम अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्चते हैं. आपके घर में शू पॉलिश आती है, कभी यूज की? कितने साल बाद खत्म होती है, हो जाती है खत्म? 6 महीने बाद हो जाती है. अच्छा, अच्छे रेगुलर शूज पॉलिश करते हो, उसका मतलब स्टूडेंट्स की तो सालों साल चलती है. अच्छा चलो, कितने की आती है शू पॉलिश? 70-80 रुपए की. तो लेट अस से आपके पेरेंट्स की इनकम मिलके 1,00,000 रुपए है, एक एग्जांपल है, ज्यादा भी हो सकती कम भी हो सकती, ठीक है. और शू पॉलिश आती है से 50 रुपीज की. ये आपकी इनकम का कितना हिस्सा है, 50 रुपीज. और आपने मुझे बोला कितने महीने चलती है, चलो मैं 5 ले लेती हूँ, तो एवरेज 1 महीने की कॉस्ट कितनी पड़ी, 10 रुपए. सो कितना हिस्सा है आपकी इनकम का, .001%. On shoe polish, you are spending 0.001% of your income. Say price of shoe polish rises by 20%. 50 का 20% 10 रुपए, यानी 60 रुपए की होगी. हाँ, पहले कितने की थी, कितने परसेंट बढ़ी? अब आप इसकी डिमांड 40% कम कर दोगे? क्यों? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग वेरी लेस प्रपोर्शन ऑफ योर इनकम ऑन शू पॉलिश. सेम इज द केस विद द न्यूज़पेपर. 1,00,000 रुपए कमाते हो, 60 रुपए न्यूज़पेपर वाले को देते हो, वही बहुत कम हिस्सा आप अपनी इनकम का खर्च दो. तो कल को अगर न्यूज़पेपर 2 रुपए से लेके 2.5 की भी हो गई तो उसकी डिमांड में चेंज आएगा, यानी उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक. हर फैक्टर में ये लिखना है डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक, ये नहीं लिखना डिमांड विल चेंज, डिमांड विल नॉट चेंज. डिमांड ने तो रिएक्ट करना ही है, हम ये देख रहे हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है या कम. अगर ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है तो उसकी डिमांड इलास्टिक है, नहीं तो इन इलास्टिक, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, आप अपने कपड़ों के ऊपर, शूज के ऊपर कितना खर्चा करते हो? मुझे लगता है अगर आप या इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर 1,00,000 रुपए अगर आपकी इनकम है तो 10,000 आपका बिल पक्का आता होगा घर में, ठीक है. जो 1,00,000 रुपए महीने का कमाता है वो एसी यूसी लगा के बैठता होगा, 10,000 रुपए पक्का, ठीक है, 10% स्पेंड करता है. तो अगर उस इलेक्ट्रिसिटी की अब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वो बोल देगा अपने फैमिली मेंबर को भी कम कंज्यूम किया करो, क्योंकि आप अपनी इनकम का 10% हिस्सा उसके ऊपर खर्च रहे हो. तो अगर उसका कंजम्पशन या प्राइस बढ़ जाएगा, आपका खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा भाई, है ना. आप 12% खर्चने लग जाओगे तो बाकियों के लिए आपका बजट खराब हो जाएगा. यस और नो? सो
बेटे एक एग्जाम्पल है, तो डिवाइड कर लो फिर भी बेटे, कहां 0.001%, कहां 10%, 5%, 8% कपड़ों के ऊपर 10%, ठीक है? ओके फाइन, ठीक है? ऐसे डोंट गो बाय यू नो के वर्ड टू वर्ड नहीं, भाव समझो, ठीक है? यहां क्या आना जाना लगा हुआ है बेटे? चलिए हो गया पॉइंट क्लियर? जिस कमोडिटी के ऊपर अपनी प्रपोर्शन का कम हिस्सा स्पेंड करते हो उसकी डिमांड इन इलास्टिक स्पेंड, जिसके ऊपर ज्यादा हिस्सा खर्चते हो उसकी डिमांड इलास्टिक। ओके नेक्स्ट, लेवल ऑफ प्राइसेस। There are low priced goods, there are medium priced goods, there are highly priced goods. Low level priced goods, low priced goods have inelastic demand. यही जैसे मैंने अभी बताई, shoe polish है, सुई है, धागा है, हाँ low priced goods है ना ये, match box है, इनका प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड के ऊपर ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? दे हैव इन इलास्टिक डिमांड, लो प्राइस्ड गुड्स दे हैव इन इलास्टिक डिमांड, हाई प्राइस गुड्स एसयूवीज, बिग पैलेशियल हाउसेस, आईफोन, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी? नहीं कम होगी, अरे कम तो होनी होनी है, ज्यादा कम होगी या कम कम होगी, ये हमारा पॉइंट है, ज्यादा कम होगी। अगर आप बेटे 1,20,000 का आईफोन अफोर्ड कर सकते हो तो आप 1,25,000 का भी आईफोन अफोर्ड कर सकते हो। हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय रिच पीपल। वहां पे मैंने क्या बोला, चलो लग्जरीज एक्चुअली कवर मोर काइंड ऑफ, एसी इज अ लग्जरी, अब एसी के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उसमें हाईली प्राइस्ड गुड्स, ठीक है? लग्जरी कवर वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर इंडिया, एसी इज अ लग्जरी, कार इज अ लग्जरी, उसमें से कार का टॉप मोस्ट मॉडल है या फरारी है उसकी हम यहाँ पे बात करें, हाईली प्राइस्ड गुड्स, ठीक है? तो क्योंकि ये रिच पीपल कंज्यूम करते हैं हाईली प्राइस्ड गुड्स, तो इनकी डिमांड भी, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता प्राइस चेंज का, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है? तो यू हैव टू थिंक लाइक देम। जिसके पास बेटे घर में 1 करोड़ रुपया पड़ा है वो 1,20,000 भी निकाल लेगा, 1,25,000 भी निकाल लेगा, है ना? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अब हम कैसे सोच रहे हैं मिडल की तरफ, इसने कहा कि मैम 5,000 का फर्क क्यों नहीं पड़ता, पड़ता है, इसने सोचा मेरा एक शू का पेयर आ जाएगा, ठीक है? तो हमने अपने जैसा सोचा, हम कौन है, मिडल क्लास, All of us belong to middle class. कुछ low middle class है, कोई middle class है, कोई upper middle class है, ठीक है? तो जो medium priced goods है वो middle class लोग खरीदते हैं तो उनकी demand elastic होती है, price के बढ़ने से उसकी demand कम हो जाती है, price के कम होने से उसकी demand बढ़ती, मतलब ज्यादा affect होती है, कम ज्यादा तो होनी होनी है, प्राइस 10% कम बढ़ता है तो डिमांड उसकी 20% कम हो जाती है, ठीक है? ओके, अनदर फैक्टर इज हैबिट। जिस चीज के आप हैबिचुअल हो गए,
उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक या इनइलास्टिक, आप लोग खुद बताएंगे। इनइलास्टिक क्यों? आप हैबिचुअल हो गए, जैसे स्मोकर चेन स्मोकर है, उसने सिगरेट पीनी पीनी है। गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंस मिनिस्टर हर बजट में सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा देता है। हमें क्या लगता है, गवर्नमेंट चाहती है लोग सिगरेट ना पिए, ये हेल्थ के लिए बुरी है। उसका लॉजिक क्या है, वैसे असली पर्पस क्या है, उसको पता है इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। कम नहीं होनी, इनइलास्टिक बोलना है। उसकी डिमांड यानी 10 रुपए का पैकेट है तो भी वो दिन में 2 खरीदेगा, 11 रुपए का है तो भी वो दिन में 2 खरीदेगा, है ना। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चला गया 1 रुपया एक्स्ट्रा फ्रॉम 1 पैक ऑफ सिगरेट। क्यों गया? क्योंकि इसकी डिमांड इनइलास्टिक। विद चेंज इन प्राइस देयर विल नॉट बी मच चेंज इन डिमांड बिकॉज पीपल हैव गॉटन यूज्ड टू इट। लेकिन जिसके लोग हैबिचुअल नहीं है उसकी डिमांड इलास्टिक, ठीक है। हैबिट किसकी फॉर्म होती है, लिकर सिगरेट ऐसी चीजों, ठीक है। सो इतने पॉइंट्स आई गेस इनफ है, और भी बन सकते हैं। देयर कुड बी टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड में डिमांड इनइलास्टिक, शॉर्ट पीरियड में हमें हैबिट्स, हमें अपनी हैबिट्स चेंज करने में टाइम लगता है। आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़े, अब मम्मा ने कहा चलो एसी बंद कर दो, तो आप पहले 24 घंटे चलता था फिर 22 घंटे चलाओगे, धीरे धीरे आप अपनी कंजम्पशन कम कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए डिमांड इनइलास्टिक। लॉन्ग पीरियड में डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम का पॉइंट भी कर सकते हो, वो गुड्स, हाँ नहीं अलग अलग भी कर सकते हैं, वो गुड्स जो हाई इनकम ग्रुप के लोग खरीदते हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक, जो लो इनकम ग्रुप के खरीदते हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक, क्योंकि लो इनकम ग्रुप के लोग सिर्फ नेसेसिटीज ही लेते हैं और नेसेसिटीज की डिमांड इनइलास्टिक, ठीक है। एनीथिंग एल्स?